बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम शाइनिंग स्टार्स ऑफ तालीमुल इस्लाम। वेलकम टू योर फोर्थ क्लास। आई एम योर साइंस टीचर। आई एम हियर टू प्रोवाइड योर ऑनलाइन क्लासेस। काइंडली ओपन योर साइंस बुक एट पेज नंबर 1। हियर इज़ यूनिट नंबर 1 एंड पेज नंबर 1। यूनिट नंबर 1, एनिमल्स। एनिमल्स मीन जानवर। एनिमल्स मीन जानवर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को देखते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को देखते हो, तो हमने इस यूनिट में इसी के बारे में पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट बुक रीडिंग ऑफ दिस यूनिट। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर on food and can move from one place to another are known as animals. Animals have different shapes and sizes and they depend on plants and one another for their food. There are two main types of animals, vertebrates and invertebrates. तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, उन्हें एनिमल्स यानी जानवर कहा जाता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल और जसामतों के होते हैं और वो चूँकि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो वो अपनी खुराक या तो पौधों से हासिल करते हैं या एक दूसरे से हासिल करते हैं। आगे बताया गया है कि एनिमल्स की टू मेन टाइप्स होती हैं, दो बुनियादी इकसाम होती हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आगे नेक्स्ट देखें, एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि एनिमल्स की टू मेन टाइप्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, दीज आर द एनिमल्स विद बैक बोन्स सच एज बर्ड्स, फिश, हॉर्सेस एंड स्पैरोस। यानी ऐसे तमाम एनिमल्स जिनमें बैक बोन होती है, बैक बोन मीन रीढ़ की हड्डी, बैक बोन मीन रीढ़ की हड्डी। ऐसे तमाम एनिमल्स, ऐसे तमाम जानवर जिनमें बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जैसे कि परिंदे, मछलियाँ, घोड़े और चिड़ियाँ। नेक्स्ट है मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स के मेन ग्रुप्स कितने हैं। साइंटिस्ट्स स्टडीड डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, दे फाउंड दैट सम वर्टिब्रेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वन एंड अदर, दस वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फिजिकल फीचर्स, दे आल्सो पोसेस मैनी बिहेवियरल फीचर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि साइंटिस्ट ने यानी साइंसदानों ने वर्टिब्रेट्स का मुतालिया किया, उसको स्टडी किया और उसकी जिस्मानी मखसूस जिस्मानी खसूसियात की बिना पर और उनके रहने सहने के तरीके की बुनियाद पर उनके 5 मेजर ग्रुप्स यानी 5 ग्रोहों में उनको तकसीम किया वर्टिब्रेट्स को। तो वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज आप आज की डेट मेंशन कर लीजिए और ये जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताए हैं ये आपने अपनी नीट नोटबुक पे राइट करने हैं। तो आज के लिए पेज नंबर 1 की बुक रीडिंग होगी और वर्ड्स मीनिंग होंगे। वर्ड्स मीनिंग आपने किस तरह राइट करने हैं आई मैं आपको दिखा दूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक साइंस की नोटबुक ले लेनी है आपने। यहाँ पे आपने अपना नेम राइट करना है, फिर उसके बाद आपने क्लास का नेम राइट करना है, फिर जिस सब्जेक्ट की है, साइंस की है तो साइंस आपने राइट कर लेना है। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे डे मेंशन करना है, यहाँ पे आपने HW लिखना है, फिर टॉपिक लिखना है, टॉपिक एनिमल्स, फिर आपने सेंटर में लाइन लगा लेनी है, डबल लाइन लगानी है, ठीक है। फिर वर्ड्स लिखने हैं, दूसरी साइड पे मीनिंग्स लिखने हैं,
साइड्स पे आपने मार्जिन लाइन भी ड्रा कर लेनी है। तो इस तरह आपने वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नीट नोटबुक पे वर्ड्स मीनिंग बहुत नीट एंड क्लीन राइट करने हैं, और ये नोटबुक आपने ऑफिस में सबमिट करवानी है, जो कि चेक होने के बाद आपको दोबारा वापस मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।